गुना में तीन पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या, काले हिरण मारकर ले जा रहे शिकारियों से मुठभेड़, राजकीय सम्मान के साथ शहीदों का होगा अंतिम संस्कार। देशभर में गर्मी का कहर, कई शहरों में पारा 45 के पार, एमपी का नौगांव दुनिया का सातवां सबसे गर्म शहर। गुना मुठभेड़ पर वीडी शर्मा ने दिया बयान, कहा बीजेपी घटना की करती है निंदा, दिग्विजय सिंह ऐसे लोगों को देते संरक्षण। बैरागढ़ के एमबीए कॉलेज में लगी भीषण आग, कॉलेज की लाइब्रेरी में हुआ हादसा, हादसे में लाखों का सामान खाक। भूपेंद्र गुप्ता ने की गृहमंत्री से इस्तीफे की मांग, कहा जंगल राज में बदल रही कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन पर उठाए सवाल। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत, खबरें विस्तार से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गुना मुठभेड़ मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस घटना की निंदा करती है, मामले की जांच चल रही है, देखने की बात यह है कि आरोपियों को किसका संरक्षण है, इनके पास से इतनी भारी तादाद में हथियार कहां से आए हैं। साथ ही पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह से जुड़े लोग ऐसे संरक्षण में काम करते हैं, प्रदेश सरकार इसकी जाँच करे। गुना जिले के आरोन के जंगल में देर रात को जिस प्रकार से शिकारियों ने पुलिस के सुरक्षा दल पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर तीन हमारे ऐसे देश के रक्षक जो उस जंगल की वन्य प्राणियों की रक्षा में जुटे थे, उनकी दुर्दांत हत्या करने का काम जिन लोगों ने किया, इस घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और जो वीर गति को जो शहीद की श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने जंगल और वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, ऐसे उन सभी पुलिस के सुरक्षा कर्मियों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उनको श्रद्धा के सुमन तो अर्पित करता ही हूं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उस संवेदनशीलता के साथ जो लोग इस घटनाक्रम में शिकारियों के आक्रमण में जिनका बलिदान हुआ, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर प्रकार से उनको जो संभव सरकार की ओर से हो सकता है, चाहे वो 1 करोड़ की राशि देने की बात हो या उनके परिवार को नौकरी से लेकर के, हर प्रकार के संभव बातों को करने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के इस समय के दौरान भी राधौगढ़ के जो लोग एक एनकाउंटर में जो मारे गए हैं, ऐसा मारा गया अपराधी नौशाद और 6 अन्य लोग जो उसके साथ में थे, इन अपराधियों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि जंगल में शिकार करने की जो परंपरा और शिकार करने की जो आदत इनकी कैसे इतने दिनों तक बनी रही और उन्होंने पुलिस पर दुर्दांत आक्रमण किया, आखिर इसके पीछे कौन है? जो दुर्दांत अपराधी एनकाउंटर में मारा गया और जो 6 अन्य लोग हैं, उनका जो गांव है बुधौलिया गांव, राधौगढ़ किले से लगा हुआ, मैं पूछना चाहता हूं कि बुधौलिया गांव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है, जिससे होली क्रॉस स्कूल के छात्र जयप्रकाश कश्यप ने 98.17% अंक प्राप्त किए हैं। वहीं कक्षा 12वीं में खुशबू वाधवानी ने 96.40 अंक प्राप्त किए हैं, जिसमें उन्होंने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।
छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है, जिसमें गोरेला की ग्रीन वैली स्कूल की छात्रा कहेफ अंजुमन ने 600 में से 589 अंक प्राप्त किए हैं, जिससे उसने 98.17% अंक के साथ पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने भिंड सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, कांग्रेस नहीं चाहती कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण में के साथ हों, जबकि राज्य मंत्री ने भाजपा को ओबीसी हितैषी सरकार बताते हुए कहा है कि भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग के बनाए हैं, लेकिन कांग्रेस ने कोई भी मुख्यमंत्री ओबीसी से नहीं बनाया है। खासतौर से पिछड़े वर्ग के हितों पर जो कुठाराघात हुआ है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ये जानती थी कि वो चुनाव पंचायत और स्थानीय निकायों के पूरी तरह से पराजित होगी, तो इसलिए मनमानी तरीके से परिसीमन किया और परिसीमन में भी इस बात के क्लू छोड़ दिए कि लोग सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय जाने का लोगों को मौका मिले। कांग्रेस एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार और 6 बार न्यायालय गई, और कांग्रेस का मूल मकसद ये था कि किसी भी तरह से चुनाव संपन्न ना हो पाए और पिछड़ा वर्ग को उनका अधिकार और हित नहीं मिले। ये कांग्रेस की असलियत है। कांग्रेस झूठ बोलती है, कांग्रेस भ्रम फैलाती है, कांग्रेस पिछड़े वर्ग के हितों पर कुठाराघात करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से पिछड़े वर्ग को उनका हित और हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। सतना की ग्राम पंचायत पटखुरी से लाखों की हेराफेरी का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने सरपंच सचिव और सहायक सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि बिना शासकीय काम किए हुए 10,29,000 की राशि का गमन किया गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक, कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी और पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा है। मुंगेली के बुधवारा गांव के अघरिया डैम के पास अज्ञात युवक का अजला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें, मृतक युवक की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। वहीं मौके पर मौजूद एसडीओपी और पुलिस की टीम ने जाकर घटना का जायजा लिया, साथ ही इस मामले में डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद ली जाएगी। देवास के बागली में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान कई मामलों में आपसी राजीनामा किया गया। वहीं न्यायाधीश नरेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि यहां पर बड़ी संख्या में घरेलू हिंसा के मामले में राजीनामा किए गए हैं। बैंक संबंधित मामलों में भी कई समझौते हुए हैं। आपको विदित है कि माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्री प्रभात कुमार मिश्रा साहब के निर्देशन में जिला देवास में लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से मामलों का निपटारा किया जा रहा है, जिसमें विभागीय फील्ड जुडिशियल के मामले भी निराकृत किए जा रहे हैं और तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के नाते आज बागली में लोगों में अभूतपूर्व माहौल है। विद्युत के, नगर पालिका के, बैंक के और न्यायालय में समनयुग मामले निपटाए जा रहे हैं। उनमें उनको फायदा यह है कि विद्युत के मामलों में उनको पेनल्टी माफ हो रही है, 10% की छूट दी गई है। इसके साथ साथ चेक बाउंस के मामले में भी समझ सोच में राहत रहती है। बैरागढ़ के एमबीए कॉलेज की लाइब्रेरी रूम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते पर ही तकरीबन आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं इस घटना से 10 लाख के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। वहीं कांकेर जिले के पंखाजूर से 6 छात्र छात्राओं ने अपना नाम टॉप 10 की लिस्ट में शामिल किया है और वहीं चारामा के आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल के 12वीं कक्षा के एक छात्र का भी नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाला कांकेर जिले के लिए ये गर्व की बात है।
निश्चित रूप से बहुत हर्ष का विषय है। हमारा कांकेर जिला बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है यहाँ के छात्र छात्राओं ने। सबसे पहले मैं यहाँ के सभी छात्र छात्राओं को, उनके पालकों को, हमारे शिक्षक साथियों को, सभी प्राचार्यों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कांकेर जिला ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में किया है। 10वीं में हमारा कांकेर जिला का जो रिजल्ट है वो 82.4% है और 12th में हमारे कांकेर जिला का जो रिजल्ट है वो 84.0% है जी। 10वीं में 6 बच्चे मेरिट में आए हैं, उसमें पहला स्थान सोनाली बाला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोंडापुर ने किया है और इसी प्रकार से सेकंड पोजीशन भी पूरे छत्तीसगढ़ में हम कांकेर जिला प्राप्त किए हैं कमरेड सरकार आदर्श विद्या निकेतन पखांजूर से। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सेजेस फैमिली से एक हमारा छात्र अक्षय शर्मा ने पूरे छत्तीसगढ़ की मेरिट लिस्ट में 5th पोजीशन हासिल किया है। वह शुरू से ही काफ़ी मेधावी छात्र रहा है, बहुत मेहनती और शिक्षकों की बात मानता था और निश्चित तौर पर वह अपने परिश्रम के बल पर काफ़ी आगे बढ़ेगा। भविष्य में उसे IAS बनना है तो IAS बनने के लिए जितना भी सहयोग हमसे हो सकता है उसके करियर को आगे बढ़ाने में हम निश्चित तौर पर करेंगे और उसके इस सफलता से प्रेरित होकर हमारे अन्य बच्चे भी आगे बढ़ पाएंगे ऐसा मुझे विश्वास है। मैं पुनः अपने शासन प्रशासन को, अपने जितने भी हमारे जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनको इस प्रकार के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बड़वानी के जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया जिसमें जिला न्यायाधीश अनंत कुमार तिवारी, कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा, पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला और अधिवक्ताओं सहित कर्मचारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री लता वानखेड़े दमोह पहुंची जहां महिलाओं मोर्चा और भाजपाइयों ने उनका स्वागत किया। वहीं इस दौरान भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें वानखेड़े ने सुप्रीम कोर्ट के OBC आरक्षण मामले पर दिए गए फैसले पर पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव करवाने की बात कही है। कांग्रेस ने जो 27% OBC के आरक्षण को कुचलने का काम किया है जिसके कारण माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव बिना 27% आरक्षण के हों, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय श्री विष्णु दत्त शर्मा जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश के 52 जिलों में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। आप सबके माध्यम से जनता को यह संदेश देने के लिए आम जनता के सामने कांग्रेस का चेहरा उजागर करने के लिए कि कांग्रेस OBC विरोधी है। कमलनाथ जी ने अपनी सरकार में रहते हुए उन्होंने एक अध्यादेश लाया और यह जारी कराया कि मध्य प्रदेश में OBC की संख्या केवल 27% है। इस आधार पर उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिकाएं दर्ज करवाई और उच्च न्यायालय को इस भ्रमित करा। खातेगांव न्यायालय परिसर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरिता वाधवानी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया। इस अवसर पर न्यायाधीश राकेश कुमार, न्यायाधीश संचिता भटकारिया और अधिवक्ताओं सहित बड़ी संख्या में कोर्ट के कर्मचारी मौजूद रहे। शुजालपुर के न्यायालय परिसर में तहसील विधिक सेवा समिति ने नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया। मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर इस आयोजन का शुभारंभ किया गया जिसमें लंबित मामलों का लोक अदालत के जरिए निराकरण किया गया। वहीं इस दौरान न्यायाधीश विपिन कुमार लवानिया, न्यायाधीश हरीश वनवंशी और न्यायाधीश संजय कुमार भलावी सहित अधिवक्ता मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।